वहीं हिमाचल में बीजेपी ने एक बार फिर से कर्ज, विकास और गारंटियों का मुद्दा उठाया है। सरकार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ और सिर्फ 10 महीनों में कांग्रेस सरकार ने 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है। बीजेपी ने आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है और बीजेपी का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 10 महीने में 10,000 करोड़ से ज्यादा का लोन तो लिया है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में विकास के काम ठप पड़े हैं और युवा बेरोजगार है। लगातार एक बात कही गई कि पिछली सरकार ने बहुत लोन ले लिया, वो इन्होंने विधानसभा के अंदर रखा, जो भी रखा, पर अगर जे हम वर्तमान सरकार इसी गति से यदि लोन लेती है और जो इनको लेना पड़ेगा 60,000 करोड़ रुपए का लोन बिना विकास के लेंगे, और यदि ये विकास कार्य करते हैं तो लोन का क्वांटम और बढ़ेगा। और इस सरकार ने सत्ता में आने के लिए, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के लिए बहुत सारी लुभावनी गारंटियां की। इन्होंने गारंटी की 18 साल से 60 साल की बहन, एक परिवार में कितनी भी हैं सबको, कोई आय वर्ग है, कोई 18 से 60 के बीच की आयु वर्ग है, सबको हम 1500 रुपया महीना देंगे। 22 लाख की संख्या बहनों की इस आयु वर्ग में बनती है और 1500 रुपये महीना से ये 18,000 रुपया साल बनती है, और 18,000 रुपये साल के हिसाब से ये 4,000 करोड़ रुपया बनता है, और 5 साल तक देने से ये 20,000 करोड़ रुपया बनता है। तो 60,000 करोड़ में 20,000 करोड़ और डाला तो ये 80,000 करोड़ हुआ। इसके बाद 1,00,000 नौकरियां पहली कैबिनेट में, अब वो कैबिनेट पता नहीं कब आएगी वो पहले वाली, उसमें 1,00,000 नौकरियां। तो अगर 1,00,000 कर्मचारी ये बढ़ाते हैं तो 5,000 करोड़ रुपया पर एनम, 25,000 करोड़ रुपया उनका भी बढ़ता है। तो ये हो गया एक लाख पांच हजार करोड़। और उसके बाद फिर फुटकर होता है, 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं तो 5,000 करोड़ होता है। अगर ये 100 रुपये लीटर दूध लेते हैं और उसके अंदर कुछ सब्सिडी देते हैं तो ये अगर कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं तो इस सरकार को 1,10,000 करोड़ रुपए का लोन नॉर्मल वे में लेना पड़ेगा और विकास उसमें शामिल नहीं है। अर्थात हम आज सवाल पूछते हैं कि आपने विकास किया नहीं, 12,000 करोड़ का लोन ले लिया, संस्थान आपने बंद कर दिए, 12,000 करोड़ का लोन ले लिया, संस्थान आपने खोले नहीं, 12,000 करोड़ का लोन ले लिया, कर्मचारी भर्ती किए नहीं, 12,000 करोड़ का लोन ले लिया। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और आप बड़े जोर शोर से ये कह रहे थे, और 2017 में बीजेपी की सरकार आई, प्रदेश सरकार के ऊपर लोड था और 47,000 करोड़ का, 49,000 करोड़ का, और जब सरकार गई तो लोन था 76,000 करोड़ का, और जब 49,000 करोड़ का लोन था तब भी 11,000 की देनदारियां उसके ऊपर थी। तो पिछली सरकार ने तो संस्थान भी खोले, विकास के काम भी किए, जो पुराना कर्जा लिया हुआ था उसको